नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे इस YouTube चैनल नॉलेज इन्फो में आपका तहे दिल से मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं एक ही नेकम आपका दोस्त, आपका होस्ट। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ सारण्य परिवार के सिलसिले में। जी हाँ, सारण्य परिवार और सेबी के सिलसिले में अपडेट देने वाला हूँ, तो आप हमारे वीडियो का अंत तक बने रखिएगा। अगर हम बात करते हैं सारण्य परिवार में, तो उसमें निवेशकों का बहुत सारा पैसा इन्वेस्टमेंट है और उनके लिए एक ये ऐसा अपडेट है जो उनके लिए बिल्कुल नया है। सहारा में इन्वेस्टमेंट करने वाले अधिकतर लोगों का पैसा अभी तक नहीं मिल पाया है। सहारा ने पिछले दिनों अपनी स्थिति साफ करते हुए कहा था कि उसने निवेशकों का पैसा सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को दे दिया है, के पास जमा कर दिया है। लेकिन सेबी का कहना है कि अब तक महज 81.70 करोड़ रुपए के लिए 53,642 ओरिजिनल बॉन्ड्स और सर्टिफिकेट पासबुक से जुड़े 19,644 आवेदन मिले हैं। सारा इंडिया में अगर हम बात करते हैं 2014 के बारे में, तो इस बीच सारा इंडिया के चेयरमैन सुब्रत राय सहारा के 10 बड़े अधिकारी के खिलाफ मेरठ के ब्रह्मापुरी थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। उन पर आरोप लगाया गया है कि 25,05,000 रुपए का निवेश किया गया था, लेकिन समय पूरा होने के बाद भी पैसे वापस नहीं लौटाया गया है। पुलिस को दी गई शिकायत में बताया गया कि राजेश्वरी गोयल ने 2014 में सारा इंडिया में 25,05,000 रुपए का निवेश किया था। तो इस प्रकार से जो है अपडेट्स आ रहे हैं कि सारे के परिवार में बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने पैसे इन्वेस्टमेंट किए, और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी फ्रेंड्स, मतलब लोगों ने हज़ारों नहीं लाखों में इन्वेस्टमेंट किया सारे के परिवार में। और सारे के परिवार में जुड़े हुए लोग, चाहे वो इन्वेस्टर्स हों चाहे वो एजेंट्स हों, बहुत ही ज़्यादा परेशान है वो, इसलिए क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा नहीं मिल पाया है और उनको सारे के परिवार उनको इन्वेस्टर्स का हक मिलना चाहिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ, तब तक लीजिए जय हिंद, वंदे मातरम।